13 साल से अनुबंध की राह देख रहे 30 मील वकर। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम में कार्यरत 38 मील वकर अपने अनुबंध की राह देख रहे हैं। निगम के द्वारा 13 साल बीतने के बाद भी उन्हें अनुबंध नीति में नहीं लाया गया है, जिससे प्रदेश के सैकड़ों इस मील वर्करों में रोष भी व्याप्त है। जिला कुल्लू में भी हिमाचल पथ परिवहन निगम के विभिन्न वर्कशॉप में 38 मील वकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनमें से कई 30 मील वकर तो ऐसे हैं जिन्हें आज 13 साल से भी अधिक का समय हो गया है, लेकिन सरकार के द्वारा उन्हें अभी तक अनुबंध नीति में नहीं लाया गया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के द्वारा ITI पास युवकों के लिए 5 साल तो बाकी लोगों के लिए 6 साल की अनुबंध नीति तैयार की गई है, जिसके तहत उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें निगम में अनुबंध नीति पर लाया जाता है। लेकिन आज 13 साल बीतने के बाद भी 30 मील वकर अनुबंध नीति में नहीं आ पाए हैं। अनुबंध नीति पर लाने के लिए हालांकि 30 मील वकर के द्वारा पहले भी निगम के MD को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन उस पर भी कोई असर नहीं हुआ, जिसके चलते 30 मील वकर अब 10 दिनों के टूल डाउन स्ट्राइक पर बैठ गए हैं। कुल्लू के बाशिंग स्थित निगम के की वर्कशॉप में कार्यरत 30 मील वकर प्रदीप ठाकुर का कहना है कि अनुबंध नीति पर ना लाए जाने से उन्हें खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने निगम को 26 अगस्त तक का समय दिया है, अगर उसके बाद भी 30 मील वकर को अनुबंध नीति पर नहीं लाया गया तो वे आगामी रणनीति तैयार करेंगे और निगम का भी विरोध किया जाएगा। का टाइम दिया हुआ था जिससे कि मतलब 15 अगस्त तक अगर हमारा कोई मतलब कार्य आगे प्रगति पर किया गया तो हम जो है अपना टूल डाउन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जिस कारण हमें आज ये कदम मजबूरन उठाना पड़ रहा है। हम भी ये नहीं चाहते हैं कि हम HRTC को बिना काम किए ऐसे छोड़ दें, लेकिन मजबूरन अपने भविष्य को देखते हुए हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। जिला कुल्लू में 38 30 मील कर्मचारी है, जिसमें कि ये 17 तारीख से 26 तारीख तक हमने तय कर लिया है कि टूल डाउन होगा। अगर आगामी कार्यवाही कुछ अमल में नहीं लाई जाती है तो हम जो है इसको अनिश्चित काल तक भी कर सकते हैं। से आपका फैसला TV के लिए धनेश गौतम की रिपोर्ट।